नमस्कार दोस्तों, एम स्कूल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं एम स्कूल। दोस्त, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज नीचे जो लाल बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिए घंटी आया, वो घंटी दबा लीजिए। जब मैं नया वीडियो छोड़ूंगा ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना, और दिल में कोई बात है ना, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज एक कमेंट कर देना। और वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आपके फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, आपके किसी भी के साथ आप शेयर कर दीजिए मेरा वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो, तो आज इस तरह से कैसे बनाते हैं हम देखेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इस तरह से दो नारियल पत्ता ले लीजिए, कोकोनट चिली, ठीक है, फ्रेश पत्ता है, एकदम फ्रेश देख सकते हैं आप। और इसका जो बीज में स्टिक होता है, दोनों का स्टिक निकाल लीजिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो स्टिक निकाल लिया। अब सब इस तरह से, अब सबको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, ये स्मूथ हिस्सा है और ये राव हिस्सा है, सबका राव हिस्सा ऊपर की तरफ करेंगे। इसको भी खोलेंगे हम, राव हिस्सा, सबका राव हिस्सा ऊपर की तरफ, सबका स्मूथ हिस्सा नीचे की तरफ कर लिया। और इस तरह इधर आएंगे, और आने के बाद ये नीचे इधर कट कर देंगे, नहीं चाहिए हमको ज़्यादा, तो इतना तक चाहिए, तो इतना तक कट कर दिया और इसको हटा लिया, और ये बन गया। अब जो आपके तरफ घुमाइए इस तरह से, अब ऊपर जो रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा, नीचे जो है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, नहीं तो आप बीच में से ही भी कर सकते हैं। तो मैं करीब छोटा बड़ा करके ही करूँगा, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब इधर इस तरह से करके इधर दबो दीजिए अच्छे से, और सबको खोल दीजिए। और देखिए, सबका छोटा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, और इसे जो बीज में इस तरह से अंदर डालेंगे, और इस तरह से लेंगे, और इसका भी बीज में इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से अंदर डालेंगे, और एक लेंगे, और इस तरह से भी इसी तरह से आएगा, और दोनों को पकड़ कर इसका जो बीज में है उसको डालेंगे। इसको बनाना है कैसे, मैंने पहले भी दिखाया, आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरा चैनल पे है। तो इस तरह से बन जाएगा, खींच लीजिए। अब इस तरह से जाने का छोटा वाला हिस्सा को, देखिए छोटे वाला हिस्सा को इधर इस तरह से लेकर आएंगे, और ये वाला पत्ते को इधर इस तरह से लेकर जाएंगे, और इसको इधर लेकर जाएंगे, और ये वाला पत्ते को इसके अंदर ऐसे डालकर खींच लेंगे। अब इस तरह से जाने का इसको उलट दीजिए, इधर सब स्मूथ हिस्सा इधर चलाया, तो अब क्या करना है, अब स्मूथ हिस्सा आने के बाद इस तरह से कर लेने के बाद क्या कीजिए, इसको ऐसे उठाइए, और इसको इस तरह से घुमाइए, और इसको इस तरह से घुमाइए, और इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, और इस तरह से खींच दीजिए, देख सकते हैं कैसे, और हाथों की मदद से दबा दीजिए, और इधर ऐसे घुमाइए। फिर से इसको भी वही चीज़ करना है, इस तरह से देख सकते हैं, दाएं हिस्सों का जो पत्ता है उसको लेकर मैं कर रहा हूँ, आप भी दाएं हिस्सों से कीजिए, ठीक है, इस तरह से हाथों मदद से दबाइए। और ये दाएं हिस्से वाला पत्ता है, इसको भी वही चीज़ करेंगे, और घुमाइए, और इसको भी इसी तरह से अगर ये बन गया, ठीक है। अब देखिए, चारों पत्ता बीच में हो गया। अब देखिए, ये जो ये डाइन हिस्सा का पत्ता है इसको हटाइए, और इसको लीजिए, इसको ऐसे उठाना है, और इसको इस तरह से घुमाना है, और इसको अंदर ऐसे डाल देना है, इधर इधर निकल आया, और इधर इधर निकल आने के बाद इसको खींच लेना है। और फिर से और एक पत्ता को इसको हटाइए, इसको भी वही चीज़ करना है, निकल आया, खींच लीजिए, इसको भी हटाइए, वही चीज़ फिर से निकल आया, खींच लीजिए, इधर भी वही चीज़ फिर से, और ये निकल आया, और इसको सबको एक साथ ऐसे कर लीजिए, इस तरह से बन जाएगा। अब जो ज़्यादा हिस्सा है उसको कैंची की मदद से कट कर लीजिए, ध्यान से कट करना, सबका इस तरह से जो एक्स्ट्रा पत्ता है इसको कट कर लीजिए, मैं सबका काट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सबका एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है मैं कट कर लिया। अब कट कर लेने के बाद इसको उलट दीजिए,
रत्न हुआ जो जिस तरह से है उसको एक देखिए ये जो पत्ता है इसको इस साइड पे ले आना है। तो इसको उलट देने के बाद मैं इधर इसको इस तरह ले आऊँगा, इसको इधर लेकर जाऊँगा और इसको अंदर ऐसे डाल देने से देखिए आप उलट देंगे तो देखिए ये इस साइड आ गया। अब इस साइड आने के बाद इसको ऐसे घुमाइए और इसको ऐसे उठाइए और इसको इसके ये जो पत्ता है इसके ऊपर ऐसे ले जाइए और ले आने के बाद इसको इस तरह से पकड़िए और इसको इधर इस तरह से घुमाइए, देख सकते हैं कैसे। और ये जो नीचे देख रहे हैं इधर छेद और इधर अंदर डालना है, तो इधर आप अंदर डालेंगे तो देखिए ये निकल आएगा और इसको इस तरह से खींच लेना है, ठीक है करीब इस तरह से। इसको छोड़ दीजिए, फिर एक पत्ते को उसको भी वैसे ही करना है, इसको इधर ऐसे लेकर आया है और इसको इस तरह से पकड़ा है और इसको इस तरह ऐसे घुमाया है और अंदर डाला, खींचा और ये हो गया। और इसका बारी है, इसको भी ऐसे ले आना है और उसी मेथड का यूज करके इस तरह से और अंदर डालना है निकल नहीं रहा, कोशिश करना है निकल गया। अब इधर उंगली पकड़ के रखिए क्योंकि वो उलट जाने का डर रहता है, इधर उंगली ऐसे पकड़ के रखना है, ठीक है ये हो गया। अब लास्ट पत्ता है इसको इस तरह से लगाएंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसको अंदर डाल देंगे और ये निकल आया और इसको खींचेंगे और इसको और भी थोड़ा खींचेंगे और इधर छोड़ देंगे और इसको घुमा के और थोड़ा खींचेंगे और ये सो रहा है, सोने नहीं देना, ठीक है ये ऊपर की तरफ देखिए पूरा बीच में लेकर है, इसको भी पूरा नहीं ले जाना है, जिसको जितना है उसको उतना तक रहने दीजिए, ज़्यादा खींचिए मत, ठीक है। और इसको इधर इस इतना तक है तो इतना तक ही ठीक है, और इसको थोड़ा खींचेंगे, इसको घुमा कर थोड़ा खींचेंगे तो ये है आपका कवर बन जा रहा है। और इस तरह से इसको बहुत ज़्यादा खींच लिया, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, इसको भी थोड़ा छोड़ दीजिए। अब देख लीजिए इस तरह से हो रहा है, अब इस तरह करके बनाना है तो इसको और थोड़ा नहीं इसको इतना दही चाहिए, ठीक है मुझे सही लग रहा है तो इधर तक छोड़ देंगे। अब उलट देंगे और उलट देने के बाद देखिए इसको इस तरह से इधर से भी कर सकते हैं, इसको पकड़ाना है और इस तरह से घुमाना है, देख सकते हैं। और इधर जो छेद है इसको अंदर ऐसे डालना है और ये निकल आएगा और इधर से खींच लेना है तो ये बन जाएगा, ठीक है इस तरह से। इधर भी वही चीज़ करना है, इसको ऐसे घुमाना है, मैं इधर से ही करती हूँ, इसको इस तरह से घुमाना है और इसको अंदर इस तरह से डालना है और ये देखो बन गया, ठीक है। इधर भी वही चीज़ करना है, उलट इस तरह से और इस तरह से ठीक है इस तरह से और इधर भी थोड़ा थोड़ा करके ये हो गया। अब इसको एक और मोड़ेंगे इस तरह से, आप नहीं तो आप कट कर सकते हैं इधर और इस तरह से, नहीं तो आप इधर कट कर दीजिए, आपका ज़्यादा नहीं करना है तो आपका इधर इधर ही कट कर सकते हैं। तो मैं कट तो करूँगा पर एक स्टेबलर मारना ज़रूरी है मेरे, क्योंकि खुल जाने जा रहा था तो खुल जाने जा रहा था, तो इस तरह से हमें सबको एक साथ करके स्टेबल कर जाएंगे, ठीक है स्टेबलर स्टेबल की मदद से इधर एक स्टेबल कर दिया और इधर एक स्टेबल कर दिया और ज़्यादा हिस्सों को इसकी मदद से कट कर लेंगे, ठीक है इस तरह से। और इस तरह से तो इस तरह से बन जाने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से स्टिक लेंगे और इसके नीचे इस तरह से स्टेबल डालेंगे और ये बाहर निकल आया और फाड़िए मत, इसको बीज में से निकलना है और इस तरह से, ठीक है अब इस तरह से बन जाएगा। तो देख सकते हैं मैं और भी एक बना के रखा हूँ, ठीक है
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा चैनल देखते रहिए एम स्कूल। ओके बाय बाय।